हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग ऑन सरफेस केमिस्ट्री यूनिट लेक्चर नंबर 17। हियर वी स्टडीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप्स, पायसों के प्रकार की पहचान। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इमल्शन के टाइप्स और उनका फॉर्मेशन टेक्निक्स कंप्लीट किया था। आज टाइप्स का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम सर्टिफाइड कर पाएंगे कि पायस ओडब्ल्यू टाइप्स का है या डब्ल्यू ओ टाइप्स का है। तो इमल्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं और विशेष तौर पर इन परीक्षणों को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो इन टेस्ट के माध्यम से हम यह जज कर पाते हैं कि किस तरह का इमल्शन हो रहा है। तो सर्टिफाइड करेंगे इमल्शन का बाय द बेसिस ऑफ गिवन टेस्ट नेम्ड डाइल्यूशन टेस्ट, तनुता परीक्षण। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट सम वाटर ड्रॉप्स एड इन इमल्शन। सपोज दैट In this equipments, emulsion substance is present, and we add some drop of water. If water drop are mixed, fully mixed, then this category is belong ओ डब्ल्यू टाइप। लिसन मी ब्रीफली। यदि पात्र में लिए गए पायस में जल की कुछ बूंदें मिला दी जाएं, वाटर की कुछ ड्रॉप्स गिराई जाएं और ये जल की बूंदें इस पायस में, इस इमल्शन में पूरी तरह से मिश्रित हो जाएं, पूर्ण रूप से मिक्स्ड हो जाएं, देन इसकी कैटेगरी को डिफाइन करेंगे ओडब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्शन। तो इस कैटेगरी को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन या जल में तेल प्रकार का पायस। और इसी टेस्ट कैटेगरी को यदि हम चेंज करें, यहां इमल्शन सबस्टेंस में यदि ऑयल ड्रॉप्स मिलाया जाए, और दूसरा केस इसी का यहां एक्सप्लेन कर लें कि यदि वाटर मिक्स्ड नहीं हो रहा है तो उसकी कैटेगरी हो जाएगी डब्ल्यू ओ टाइप, और यदि पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाता है तो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा ओ डब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्शन। तो एक केस तो वाटर के साथ, एक बार फिर लिसन मी कि वाटर ड्रॉप मिलाए जाने पर यदि पूरी तरह से मिश्रित हो जाए तो ओ डब्ल्यू टाइप, और यदि वाटर ड्रॉप मिलाए जाने पर यह वाटर ड्रॉप मिश्रित ना हो तो डब्ल्यू ओ टाइप का इमल्शन होगा। अब सेकेंड केस में आ जाए, यदि इमल्शन में पायस में वाटर के स्थान पर ऑयल ड्रॉप को ऐड किया जाए, तेल की बूंदें इस पायस में गिराई जाए, तो यह ऑयल अगर इस वाटर सबस्टेंस में, पायस सबस्टेंस में मिक्स्ड हो जाए, इमल्शन में मिक्स्ड हो जाए, तो यह डब्ल्यू ओ कैटेगरी का होगा, और यदि नहीं मिक्स्ड हो रहे हैं तो इसकी कैटेगरी ओ डब्ल्यू टाइप की होगी। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ डाइल्यूशन हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जल में तेल प्रकार का पायस है या तेल में जल प्रकार का पायस है। पेयर करें यहां डाइल्यूशन को, तनुता को। वी नो दैट मैक्सिमम केमिकल्स आर प्रेजेंट इन देयर प्योर कंडीशन कॉल्ड कंसेंट्रेटेड फॉर्म, लाइक एज ए सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन द केस ऑफ डाइल्यूशन वी एड वॉटर, देन कंसेंट्रेशन इज लो। पानी के मिलाए जाने पर जो तनुता है, और अगर हम कंसेंट्रेशन की बात करें तो उसे सांद्रता कहते हैं, उसकी प्योर फॉर्म है वह धीरे धीरे पानी के मिलाए जाने के कारण कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन,
अनुकरण, और जो सब्सटेंस है उसको डाइल्यूट फॉर्म कहते हैं, अर्थात वह तनु विलयन कहलाता है। तो ये जो टेस्ट है कुछ इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, जो कि डाइल्यूशन प्रोसेस के आधार पर इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन करता है। तो डिस्कस करें सेकंड कैटेगरी का, कंडक्टिविटी टेस्ट, चालकता परीक्षण के आधार पर इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन। यहां टू क्राइटेरिया हैं जिनको मेजर करके हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज दैट ये कोई इमल्शन सब्सटेंस है, पायस पदार्थ है, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हैं। तो अगर इस इमल्शन सब्सटेंस में इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी में चेंज आएगा, और सपोज दैट इस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, चालकता में वृद्धि, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करती है तो यहां पर जो कैटेगरी होगी वह ओडब्ल्यू टाइप की आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करेगी। जबकि दूसरा केस, अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के मिलाए जाने पर कंडक्टिविटी में कोई विशेष अंतर प्राप्त नहीं होता है, कोई इंक्रीजमेंट खास नहीं दिखाई देता है, तो उस दशा में अगर इंक्रीजमेंट ना हो या नो चेंज इन कंडक्टिविटी, तो अगर कोई चेंज नहीं कर रहा है तो उस दशा में यह WO टाइप का इमल्शन होगा। लिसन मी, अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को पायस पदार्थ में मिलाएं और उसकी चालकता में वृद्धि हो जाए तो वह OW टाइप का इमल्शन होगा, जबकि यदि चालकता में कोई परिवर्तन ना हो या कोई विशेष अंतर ना दिखाई दे, ना प्राप्त हो, तो उस अवस्था में यह WO टाइप का इमल्शन होगा। चलते हैं थर्ड टेस्ट की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है। यहां पर सब्सटेंस जो यूज किए जाते हैं वे डाइज हैं, जिन्हें रंजक कहते हैं, कलर पिगमेंट्स हैं ये। टेस्ट समझ लेते हैं। इमल्शन सब्सटेंस में पायस पदार्थ में यदि आयल सॉल्युबल डाई को मिलाया जाए, तेल में विलय हो जाने वाले रंजक आयल सॉल्युबल डाई को यदि मिलाया जाए और इस इमल्शन सब्सटेंस में पायस पदार्थ में कलर आ जाए, अर्थात यह रंगीन हो जाए, तो यदि इसमें रंग प्राप्त होता है, यह रंगीन हो जाता है पूरा का पूरा इमल्शन सब्सटेंस, तो उस अवस्था में यह WO टाइप का इमल्शन होगा। एंड सेकेंड क्राइटेरिया, अगर यहां ऑयल सॉल्युबल डाई को इसमें मिलाया जाए, मिश्रित किया जाए, लेकिन पायस पदार्थ में इमल्शन सब्सटेंस में किसी प्रकार का कोई रंग प्राप्त ना हो, अर्थात यह रंगहीन विलयन के रूप में ही प्राप्त हो, तो उस समय यह OW टाइप का इमल्शन कहलाएगा। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे यहां से कि अगर हम डाई का यूज करें इस इमल्शन में और कलर मिले, रंगीन प्राप्त हो, तो उसे WO टाइप कहेंगे, और यदि कलरलेस रह जाए, रंगहीन रह जाए, तो उसे OW टाइप इमल्शन कहेंगे। तो इस प्रकार हम इन तीन टेस्ट के माध्यम से इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर।
प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शंस, पायस के गुणधर्म तो बेसिक प्रॉपर्टी में चले अगर इमल्शन के केस के लिए तो हम कोलाइडियल सबस्टेंस पढ़ चुके पीछे और कोलाइडों से रिलेटेड उनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ करके आए तो समझते हैं इन्हें पॉइंट बाई पॉइंट और सिमिलरिटी देखते हैं कि कैसे कोलाइड से गुण इससे मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स सॉल में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं उनकी तुलना में जो पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं यानी डिस्पर्सिव फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है तो कोलाइडी विलयनों के द्वारा जो प्रदर्शित किए जाने वाले प्रॉपर्टीज हैं वो इमल्शन के द्वारा भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कोलाइडों के संदर्भ में प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं हम वही प्रॉपर्टीज यहां पायस के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। जैसे कोलाइडों में ब्राउनियन मोशन का गुण पाया जाता है, ब्राउनी गति का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार से पायस में भी यह नेचर प्राप्त होता है। जैसे कोलाइड टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं जो कि एक प्रकार का प्रकाश के प्रकीर्णन का इफेक्ट है, प्रकाशिक घटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव है, वह पायस में भी देखने को मिलता है। जैसे कोलाइड्स इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, वैद्युत कण संचरण प्रोसेस को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार इमल्शन सबस्टेंस भी इलेक्ट्रोफोरोसिस का नेचर रखते हैं। कॉबुलेशन, स्कंदन की प्रक्रिया को कोलाइडों के संदर्भ में पढ़ा हम लोगों ने, यह वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से सबस्टेंस को आयनाइज करते हैं और उनका प्रेसिपिटेशन करते हैं, एक तरह से प्यूरिफिकेशन मेथड्स में आ जाता है ये। तो जैसे कोलाइड्स का कॉबुलेशन करते हैं उसी प्रकार से यहां इमल्शन भी यह गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। प्रॉपर्टीज के संदर्भ में एक साइड नोट्स भी आता है, इसे पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन या डी पायसीकरण। डी इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट, वहां पर हम इमल्शन को प्रोड्यूस करते हैं और यहां इमल्शन स्वयं ही अपने कंपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है। तो समझते हैं इसे, सपोज दैट इन अ वेसल इमल्शन सबस्टेंस इज प्रेजेंट, कोई पायस पदार्थ है यहां उपस्थित है और इस पर हम कुछ इफेक्ट रिप्रेजेंट करें, सपोज दैट फिजिकल कंडीशंस में इसे हीट दें, गर्म किया जाए, फिर इसे मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाया जाए यानी इसको इसके गलनांक तक ले जाया जाए, देन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक तक ले जाया जाए, खूब ठंडा कर दिया जाए, तो ये सारे इफेक्ट आपके फिजिकल हैं। और दूसरा केस चले हैं केमिकल इफेक्ट की तरफ, केमिकल इफेक्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करें इस इमल्शन सबस्टेंस में जिसके कारण यह अपने कंपोनेंट्स में अलग अलग हो जाए, सपोज दैट यह इमल्शन ए बी सी और डी इन सबस्टेंस से मिलकर के होमोलोगस हुआ है और इमल्सिफाइज्ड हुआ है, तो ये सभी चारों कंपोनेंट्स इन फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के आधार पर यदि अलग अलग कर दिए जाएं ए बी सी और डी तो इस अवस्था को कहते हैं डी मल्सिफिकेशन या डी पाइसी करण। स्टूडेंट्स विभिन्न भौतिक विधियों जैसे गर्म करना, हिमांक तक ठंडा करना आदि आदि उचित रासायनिक विधियों के द्वारा यदि पायसी कारक के गुणों को समाप्त करके पायसों को उनके घटक द्रवों में अलग अलग किया जा सके तो किसी पायस को उसके घटक द्रवों में अलग अलग करने का जो प्रक्रम है उस प्रक्रम को ही वास्तव में डीपायसीकरण या डीमल्सिफिकेशन कहते हैं।
तो इमल्शन का लास्ट करेंगे इनके एप्लीकेशन से, जानते हैं इनके कुछ प्रमुख अनुप्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिनको यहां पर एप्लीकेशंस के रूप में समझ लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोशंस, दिस कैटेगरीज बिलोंग मेडिकल सेक्टर। औषधि निर्माण के क्षेत्र में जाएं तो कुछ लोशंस हैं जिनके निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। सेकेंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स। थर्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनमेंट्स। कुछ मलहम औषधियां हैं जिनके निर्माण हेतु इमल्शन का सर्वाधिक प्रयोग मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। फोर्थ, ऑयली ड्रग्स, तैली औषधियां पाइसीकरण की क्रिया के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, जहां पर इमल्शन बहुत ही उपयोगी है। नाउ फिफ्थ, इन मेटलर्जी। अभी हम लोग अगली यूनिट में जाने वाले हैं, तो अगली यूनिट जब स्टार्ट करेंगे पार्ट टू में सेकेंड कैटेगरी में, तो वहां मेटलर्जी सेक्टर में धातुकर्म का शोधन, कैसे धातुओं का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके स्टेप्स पढ़ेंगे, जहां सांद्रण की विधियां, कैल्सिनेशन ऑफ ओर, फ्रोथ फ्लोटेशन जिसे फेन प्लवन विधि कहते हैं, यह है पाइसीकरण की प्रक्रिया पर ही आधारित है और इसके द्वारा ओर को, अयस्क को कैल्सिनेटेड करते हैं, सांद्रित करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन आता है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द केस ऑफ डाइजेशन, वेरियस टाइप ऑफ इमल्शन सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर डाइजेशन। इन डाइजेस्टिव सिस्टम दे बेसिकली एक्ट विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, एंड इन दिस टाइप ऑफ केस दे डाइजेस्ट फैट इन इंटेस्टाइन। पाचन तंत्र में, पाचन की क्रिया में जो इमल्शन सब्सटेंस हैं वे मिलाए जाने पर जो फैटी सब्सटेंस हैं उनके साथ मिलकर के बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं और ये एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, जो कि एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग पदार्थ हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो कि फैट का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी इनका डिस्कशन करेंगे कुछ, बट यहां भी आया है ये यूज एप्लीकेशंस के रूप में, तो बता दूं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कुछ प्रमुख एंजाइम्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, फैट डाइजेस्टिव लाइपेज, लाइगेज। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जब ये एक्टिव हो जाते हैं इन पायस पदार्थों के कारण, तो उस पाइसीकरण प्रोसेस से इंटेस्टाइन में जो फैटी सब्सटेंस हैं उनको इजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यूनिट बूस्ट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये सरफेस केमिस्ट्री, और एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट इसका मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में, तो इसे कवर करिए। सारे टॉपिक्स जैसा मैंने लेक्चर वन में आपको क्लियर किया था कि इस पूरी यूनिट को हमने तीन सेक्शन में डिवाइड कर लिया था ए बी सी, उसी कैटेगरी के आधार पर आप इसे तैयार करें, इनके नोट्स कंप्लीट करें, और जितने भी कोलाइडियल सब्सटेंस से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आए हैं वे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली यूनिट के साथ मिलेंगे।